Hello, students. How are you? I hope you all are fine and doing your work and preparation for the examinations, right? So today we are going to start the chapter twelve. Chapter twelve is addition, subtraction, multiplication, and division of the fractions. Okay. So we are going to do addition, subtraction, and multiplication of like fractions only, not the division. Okay. So cut it down so first i am going to tell you what we are going to do in this chapter because there are a lot of variation in this there are a lot of changes in that exercise 12.1 only the like fractions we are going to do exercise 12.1 12.2 12 also exercise 1. point uh, exercise 12.3 we are not going to do because it's uh, uh, the complete exercise is based on the unlike fractions which are we are not going to do right now okay

The how we are going to do addition. Exercise 12.1. Question number one. Add. First question is 6 upon 13, 5 upon 13, and 3 upon 13. In the fraction, we just add only numerators and write the denominator as it is. In case of like fractions then jab unlike fractions, hota hai, tab wo procedure hota hai, which you are not going to learn this time. You are going to learn this, learn that one by the next time. Okay. सो सिक्स प्लस फाइव इलेवन प्लस टू थर्टीन अपॉन थर्टीन नेक्स्ट इज़ थ्री अपॉन सेवनटीन फोर अपॉन सेवनटीन एंड एट अपॉन सेवनटीन यू हैव टू एड थ्री प्लस फोर प्लस एट एंड सेवनटीन एज इट इज़ क्योंकि एलसीएम आ जाता है ठीक है बिकॉज हम उसका एलसीएम लेते हैं जब अनलाइक फ्रैक्शन होता है तो इसीलिए इसको एड नहीं करते हैं जो डिनोमिनेटर्स होता है उसको सो थ्री प्लस फोर प्लस एट क्या हुआ थ्री प्लस फोर ना सेवन प्लस एट फिफ्टीन अपॉन सेवनटीन ओके नेक्स्ट सी पार्ट में आपको क्या करना है थर्टीन अपॉन ट्वेल्व प्लस थ्री अपॉन सेवन है आपको उसे ट्वेंटी वन करना है 13 थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी वन हो जाएगा नेक्स्ट आपको इसमें ट्वेंटी नाइन है ठीक है तो आपको ये वाला करना है फिफ्टीन प्लस फोर्टीन ट्वेंटी नाइन प्लस सेवन थर्टी सिक्स ओके देन आपको ई e कट करना है एफ कट करना है जी कट करना है एच मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व करके रखा है देखिए जो मिक्स फ्रैक्शन होता है मिक्स फ्रैक्शन को पहले मैंने जैसे आपको सिखाया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले हम उसे इम्प्रॉपर में करेंगे ट्वेल्व मल्टीप्लाई फोर प्लस सेवन ओके देन ट्वेल्व मल्टीप्लाई फ़ाइव प्लस वन ओके देन ट्वेल्व मल्टीप्लाई सेवन प्लस इलेवन ओके बेटा देन फोर्टी एट ट्वेल्व फोर जो फोर्टी एट प्लस सेवन ट्वेल्व फाइव जो सिक्सटी प्लस वन ट्वेल्व सेवन जो एटी फोर प्लस इलेवन ठीक है ये किया हमने फिफ्टी फाइव आ गया देन सिक्सटी वन अपॉन ट्वेल्व देन नाइन्टी फाइव अपॉन ट्वेल्व ओके आप इसे पूरा करेंगे आप इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं इफ़ दे से सो अगर नहीं कहा है तो कोई बात नहीं आप करके देख सकते हैं टू हंड्रेड इलेवन ये देखिए मैं कर रही हूँ ट्वेल्व वन सा ट्वेल्व माइनस किया नाइन आया से वन ट्वेल्व सेवन जो एट्टी फोर तो सेवन तो क्या करेंगे बेटा सेवनटीन सेवन अपॉन ट्वेल्व यहाँ क्वेश्चन रहता है यहाँ रिमाइंडर और यहाँ डिविशर ओके okay? तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये हो गया आंसर ओके ये मिक्स फ्रैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डूइंग एनी थिंग वेदर यू वॉन्ट टू कंपेयर इट वेदर यू वॉन्ट टू एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई आपको पहले उसे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है देन ओनली यू विल डू द प्रोसीजर नेक्स्ट वन वाट एवर द ऑपरेशन दिस इज कॉल फॉर यू नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू ट्वेल्व पॉइंट टू में सेम है आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स को माइनस करना है डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा ठीक है 11 अपॉन थर्टीन माइनस फाइव अपॉन थर्टीन इज इक्वल्स टू सिक्स अपॉन थर्टीन ओके देन सिक्सटीन अपॉन सेवनटीन माइनस एट अपॉन सेवनटीन है तो एट अपॉन सेवनटीन फोटीन अपॉन फिफ्टीन माइनस इलेवन अपॉन फिफ्टीन तो इक्वल्स टू थ्री अपॉन फिफ्टीन डी कट कर देंगे ई एफ कट कर देंगे जी जी में क्या है फाइव अपॉन्ट फोर लिख लेंगे एंड टू वन बाई फोर ठीक है तो पहले आप क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो ये ऐसे आ जाएगा जी वाला जो क्वेश्चन है वो बेटे आपको ऐसे लिखना है ये रहा आप नोट भी कर सकते हैं नहीं तो फिर ये एज एन एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फोर टू ज़ा एट प्लस वन पहले मिक्स फ्रैक्शन को मैंने बताया था आपको इम में चेंज करना है तो ये हमने चेंज किया तो ये आ गया फोर अपॉन फोर ओके नेक्स्ट है आपको इसका करना है ये वाला जे वाला इसमें आपको क्या चेंज करना है थ्री फाइव अपॉन सिक्स माइनस वन वन अपॉइंट सिक्स ठीक है फिर आपको इनको इम फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर आपको इसको सॉल्व कर देना है ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं ठीक है थीके? पहले इमप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे फिर करेंगे इसके बाद ट्वेल्व पॉइंट थ्री आपको करनी नहीं है उसके बाद आ जाएंगे बेटे ट्वेल्व पॉइंट फोर पे ठीक है एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट फोर पर हम आ जाएंगे आउट ऑफ इज सैलरी मिस्टर केसर स्पेंड्स टू बाई टेन करेंगे बेटा ऑन फूड्स थ्री बाई टेन ऑन रेंट एंड फोर बाई टेन ऑन क्लोदिंग क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक् सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन में था हमें उसे लाइक like फ्रैक्शन में करना है वट फ्रैक्शन ऑफ इज सैलरी डज ही स्पेंड ऑन फूड रेंट एंड क्लोदिंग टोटल उन्होंने कितनी सैलरी स्पेंड की है दे विल आस्क यू फॉर दैट थिंग ओके तो आपको इन सबको प्लस करना है ठीक है आप कैसे करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन फूड्स एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन क्लोदिंग फिर आप टू बाई टेन थ्री बाय टेन और फोर बाय टेन को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा थ्री प्लस टू फाइव प्लस फोर ठीक है टू प्लस थ्री फाइव प्लस फोर नाइन अपॉइंट टेन टोटल सैलरी का उन्होंने स्पेंड कर दिया है ही स्पेंड्स ओके नेक्स्ट है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर टू राम वॉक द डिस्टेंस ऑफ रुपीज टेन थ्री अपॉइंट फोर किलोमीटर इन वन आवर वाइल रमेश वॉक द डिस्टेंस ऑफ इलेवन वन बाय फोर किलोमीटर ड्यूरिंग द सेम पीरियड ठीक है हु वॉकड फास्टर दे विल आस्क यू फॉर हु वॉकड फास्टर ठीक है किसने ज़्यादा चला है तो इसमें एंड बाय हाउ मच तो हु वॉकड फास्टर में आएगा किसने ज़्यादा चला है तो आप पहले कंपेयर करेंगे इसमें कंपेरिजन करना है एंड बाय हाउ मच तो आपको कितना बताना है आप उसे माइनस करेंगे ठीक है ये देखिए क्वेश्चन नंबर टू मैंने किया हुआ है वन भी आपके लिए किया हुआ है यहाँ ठीक है राम वॉक द डिस्टेंस ऑफ पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना है फोर्टी थ्री अपॉइंट फोर देन रमेश वॉक द डिस्टेंस तो फोर्टी फाइव अपॉइंट फोर हुआ ठीक है हु वॉकड फास्टर पहले आप उससे किया तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही नंबर ग्रेटर होता है तो इसमें ये ग्रेटर हो गया ठीक है बाय हाउ मच में आप ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर ही माइनस करते हैं इसलिए हमने फोर्टी फाइव पहले लिखा फोर्टी फाइव अपॉइंट फोर फिर माइनस कर दिया ठीक है बेटा ये हो गया इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आप देख लीजिए फॉर अ पार्टी सेवन वन बाई फाइव किलोमीटर ऑफ के जी ऑफ वेजिटेबल वर इट कंसिस्ट टोटल इतनी यूज हुई हैं ठीक है फिर टू थ्री बाई फाइव के जी ऑफ पोटेटोज थे थ्री वन बाई फाइव ऑनियन थे आपको ये चेंज कर लेना है एंड सम टमेटोज कुछ टमाटोज थे तो आप क्या करेंगे पोटैटो और ओनियन को प्लस करेंगे और उसे टोटल में से माइनस कर देंगे ठीक है बेटा ये रहा मैंने यहाँ पे चेंज किया है ठीक है सेवन वन बाय फाइव थर्ट आ, को इम्प्रॉपर में किया थर्टी सिक्स अपॉन फाइव टू थ्री बाई फाइव को किया थर्टीन अपॉन फाइव और ओनियन को यूज है सिक्सटीन अपॉन फाइव ठीक है तो टोटल अमाउंट है टोटल टोमेटो यूज कितना होगा जो टोटल है उसमें से इन दोनों को प्लस करके थर्टीन और सिक्सटीन हुआ ट्वेंटी नाइन फिर थर्टी सिक्स फाइव में से आपको ट्वेंटी नाइन फाइव माइनस करना है तो सेवन अपॉइन्ट फाइव के जी यूज हुआ है ठीक है ये हो गया इसके बाद आता है बेटे मल्टीप्लाई ठीक है मल्टीप्लाई होता है एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट फाइव पे आ जाते हैं ठीक है ट्वेल्व पॉइंट फाइव देखिए ट्वेल्व पॉइंट फाइव में आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टी मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन में आपको क्या करना है मल्टी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है ठीक है आपको उसको पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है अभी सिंपलेस्ट फॉर्म हमने लास्ट चैप्टर में की है आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा फिर कीजिएगा ओके देन आपको कैसे करना है उसको एच से डिवाइड भी करना है ठीक है देखो फाइव बाई सेवन इंटू टू बाय फाइव है ठीक है टेन अपॉन थर्टी फाइव हो गया फाइव टू ज़ा टेन अपॉन सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव ठीक है फिर मैंने फ़ाइव से क्यों डिवाइड किया क्योंकि ये एच है पहले आप एच सी फाइंड आउट करेंगे टेन और थर्टी फाइव का एच सी एफ़ फाइंड आउट करेंगे जैसे भी आपको आता है जिस भी मेथड से आपको कन्वीनियंट लगता है यू कैन डू इट विद दैट ओनली एंड देन डिवाइड बोथ द दूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द एच सी एफ बिकॉज इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन वी हैव टू गिव द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ओनली ओके जैसे ये है एक तरीका दूसरा है जैसे थ्री और ट्वेल्व एक ही टेबल में आते हैं आपको मालूम है तो यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम थ्री वन जी थ्री फोर जो ट्वेल्व इससे आपको क्या करना है आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा एच फाइंड आउट करने का मेथड मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है अगर आपको ये ईजी लगता है तो ये भी कर सकते हैं आप ठीक है बेटा थ्री फाइव जो फिफ्टीन पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है इसमें ये ध्यान रखना है थ्री फाइव जो फिफ्टीन नहीं करना है थ्री को थ्री से ये कैंसिल हुआ कैंसिल मतलब डिवाइड हुआ थ्री वन जो थ्री थ्री टू फोर ज़र ट्वेल्व तो फाइव वन जो फाइव एंड थर्टीन फोर जो फिफ्टी टू ठीक है या फिर आप ये देखिए दोनों मेथड मैंने किए हुए फिफ्टीन वन अपॉइंट फिफ्टी सिक्स तो फिफ्टीन 15 और वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स का आप एच सी एफ निकालेंगे तो थ्री आएगा और थ्री से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आ रहा है अभी क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द फॉलोइंग थ्री फोर्थ ऑफ द हंड्रेड रुपीज ऑफ का मतलब होता है बेटे मल्टीप्लाई रिप्लेस द वर्ड ऑफ विद अ मल्टीप्लाई लाइक आई हैव डन एंड देन डिडक्टेड इसमें यू हैव टू डिडक्ट और यू कैन ऑल्सो डू इट विद दैट मैथड दैट फर्स्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर इफ़ डिनोमिनेटर इज गिवन यू कैन प्लेस वन ओवर देयर ओके थ्री हंड्रेड अपॉन फोर भी कर सकते हैं फिर आप उसको सिम्प्लीफाई करेंगे अदरवाइज फोर से ट्वेंटी फोर से आप हंड्रेड को डिवाइड करेंगे ये रहा मैंने हंड्रेड डिवाइड किया है फोर से तो ट्वेंटी फाइव आया ट्वेंटी फाइव थ्री सा सेवेंटी फाइव रुपीज़ देन सेवन बाई एट ऑफ अ डे वन डे में ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं इसलिए हमने ट्वेंटी फोर लिखा क्योंकि आप वन तो लिख नहीं सकते हो ठीक है एट से हमने ट्वेंटी फोर को डिवाइड किया तो थ्री आया थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन आर्स आ गया ठीक है इसका आपको क्वेश्चन नंबर वन एंड टू करना है और दोनों के पार्ट ई तक ही करने हैं ठीक है थीके? इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज बची वो भी आप आप देख लीजिए एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट सिक्स अमरप्रीत वेज फोर्टी एट के जीज है उसका वेट इफ़ हिज यंगर सिस्टर उसकी जो छोटी बहन है शी वेज नाइन हंड्रेड नाइन अपॉइंटीन ऑफ अमरप्रीत वेट जितना भी अमरप्रीत का वेट है तो आपको नाइन अपॉइंटी फोर्टी एट करना है ट्वेंटी सेवन के जी की वो है आपको ये कॉपी में करना है विद द स्टेटमेंट फोर अपॉइंट सेवन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर गर्ल्स एक स्कूल है जिसमें फोर अपॉइंट सेवन स्टूडेंट जितने भी टोटल स्टूडेंट है उसका फोर अपॉइंट सेवन फ्रैक्शन जो है गर्ल्स है आपको बॉयज़ का नंबर निकालना है देखिए ये कैसे निकालेंगे हम आई हैव डन दिस फॉर यू ऑल्सो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सेवन था नंबर ऑफ गर्ल्स क्या करेंगे नंबर ऑफ़ गर्ल्स पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सेवन का आपको फोर बाई सेवन फाइंड आउट करना है ओके okay? ये हमने फाइंड आउट किया बेटे तो फाइव आया टू थाउजेंड फोर्टी फोर ठीक है फिर नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज ठीक है ऐसे आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट है सिक्स इनमें आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है कैसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे ओके सो हाउ दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर ट्वेल्व ट्राई टू मेक अ लेबर मोर लेबर फॉर योर सेल्फ बिकॉज ट्वेल्व पॉइंट सेवन मैंने कट करवाई थी नेक्स्ट हम डेसिमल्स करेंगे अभी आपको ये करना है प्रैक्टिस प्लीज़ डू कंप्लीट द होल चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल बाय लुकिंग एट वीडियो बाय पॉजिंग इट अगेन एंड अगेन ओके ओके बाय टिल देन टेक केयर